नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आज पुरगाजी थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुरगाजी पुलिस ने इनके कब्जे से 6 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की हैं। आपको बता दें कि ये शातिर वाहन चोर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से मोटरसाइकिलें चोरी किया करते थे और उनके नकली कागज नकली एफिडेविट बनाकर लोगों को बेचते थे। अब तक ये वाहन चोर लोगों को कई चोरी की मोटरसाइकिलें बेच चुके हैं। पुलिस छानबीन कर रही है कि चोर किन किन लोगों को चोरी की मोटरसाइकिल बेचा करते थे, जिसके बाद बाइक खरीदने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पुरगाजी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गैंग का खुलासा किया गया है, जिसमें 3 वाहन चोर पकड़े गए हैं जो पुरगाजी क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनसे 6 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। अभी तक 2 मोटरसाइकिल कनेक्ट हुई हैं, एक इनके द्वारा हरिद्वार से चोरी की गई थी और दूसरी पुरगाजी से ही चोरी की गई थी। बाकी की प्रयास चल रहा है उन्हें कनेक्ट करने का। इन लोगों का ये था कि ये चोरी करने के बाद उस मोटरसाइकिल के फर्जी कागजात तैयार करने का प्रयास या फर्जी एफिडेविट बना के लोगों को बेच रहे थे। यद्यपि अभी इनके द्वारा मना किया गया है, लेकिन ऐसी सूत्रों से जानकारी मिली है कि इस तरह से ये 2-3 मोटरसाइकिल बेच चुके हैं। उसका जानकारी में आने के बाद इन्हें अगर कोई पुख्ता जानकारी मिलती है तो PCR पे भी लिया जा सकता है। और बाकी ये जानकारी की जा रही है कि किन किन लोगों को इन्होंने और मोटरसाइकिल बेची है। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से दीपक वत्स की रिपोर्ट।